नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर न्यूज। पीथमपुर में आज महू नीमच रोड इंडोरामा टोल प्लाजा पर आज भाजपा के युवा नेता संजय वैष्णव और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं की मांग थी कि रोड का तुरंत रिपेयरिंग करवाया जाए और जब तक रोड ठीक नहीं हो टोल की वसूली नहीं की जाए। करीब 200 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं ने नारेबाजी करते हुए टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे रहे और जमकर नारेबाजी करने लगे। मौके पर एमपीआरडीसी के अधिकारी ने जल्द रोड दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। पीथमपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय वैष्णव ने और कार्यकर्ता महू नीमच रोड इंडोरामा टोल प्लाजा पर करीब 200 नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। धरने पर बैठे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बताया कि टोल रोड की हालत बहुत खराब है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं जिस कारण वाहनों का नुकसान हो रहा है। वहीं हादसों में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस मामले में जहां टोल वसूलने वाली कंपनी एमपीआरडीसी दोनों ध्यान नहीं दे रही है। आज अगर गड्ढे भरे नहीं जाते हैं तो हम जल्द ही विधायक और सांसद के साथ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। वहीं मौके पर पहुंचे एमपीआरडीसी अधिकारी का कहना है कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण रोड की हालत खराब हो गई है। क्योंकि बारिश के कारण हम पक्का रिपेयरिंग नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए अभी हम गड्ढों को भरवाने का काम कर रहे हैं। जल्दी ही पूरे मार्ग की रिपेयरिंग हो जाएगी। अधिकारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पीथमपुर। पार्टी के लोग, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच में मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों से ये बात की है कि सर्विस रोड और घाटा बिलो पुलिया की जो भयंकर समस्या है जहाँ गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे पुलिया पे, तत्काल प्रभाव से इसका मेंटेनेंस किया जाए और इस समस्या का निराकरण किया जाए। क्योंकि कुटी चौराहे के ब्रिज की सर्विस रोड पूरी खत्म हो चुकी है। इंडोरमा जो क्षेत्र है मंदिर का, वहाँ की भी सर्विस रोड है टोटल ख़त्म हो चुकी है। और जो घाटा विलोद का ब्रिज है वहाँ पानी इतना भरा रहता है जिसके कारण पूरी रोड ख़त्म हो चुकी है और ये हर वर्ष की एक समस्या है। तो घाटा विलोद ब्रिज के वहाँ ड्रेन का पक्का निर्माण किया जाए, इसकी मांग की गई है ताकि समस्या का स्थायी हल हो। क्योंकि महू इंदौर और धार का एक बहुत ही सघन आवागमन का रास्ता है, रोड है, और मेंटेनेंस करना जो है मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। पीथमपुर नगर पालिका को सेक्टर 1 की 1.25 किलोमीटर की रोड इन्होंने हैंडओवर की है, तो पीथमपुर नगर पालिका ने 4 करोड़ की लागत से वहां के टेंडर जारी कर दी है और पीथमपुर नगर पालिका ने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को डिमांड लेटर भेजा है कि कुटी चौराहे की सर्विस रोड और इंडोरमा चौराहे की सर्विस रोड भी नगर पालिका को ट्रांसफर कर दे। तो नगर पालिका वो सर्विस रोडों का चौड़ीकरण करके उनके कार्य नगर पालिका कराने के लिए तैयार है। अभी नगर पालिका ने पीथमपुर का जो 12 किलोमीटर का महिंद्रा टू व्हीलर चौराहा जो चौपाटी से लेकर टोल टैक्स तक के सेंटर लाइटिंग के टेंडर जारी कर दिए हैं। करीब 2 माह में यहाँ सेंटर लाइटिंग लग जाएगी जिससे अंधेरा खत्म होगा और एक्सीडेंट की जो संभावना है उन पे नियंत्रण होगा। परंतु आज हम सब लोगों की प्रशासन से, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों से ये मांग है कि वर्षा काल को देखते हुए तत्काल प्रभाव से मेंटेनेंस के कार्य शीघ्र अति शीघ्र जल्द से जल्द किए जाए ताकि जो एक्सीडेंट हो रहे, लोगों की जनहानि हो रही है उसको रोका जा सके। इसी मांग को लेके आज एसडीएम साहब और मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव से बात की है और तत्काल ये काम शुरू कराने की मांग की है। मांग की गई है कि रोड जब तक जो सर्विस लाइन है और जो रोड में गड्ढे हैं उनका नेटवर्क का काम नहीं होगा तब तक ये अपना टोल गेट वसूलने नहीं देंगे। क्योंकि अभी एमपीआरडीसी के ऑफिसर भी आए हुए हैं, उन्होंने भी आश्वस्त किया है और काम चालू कर दिए हैं। और अभी आप स्वयं देख सकते हैं कि आज मॉर्निंग से यहाँ काम चालू हो गया और रोड की स्थिति अब ठीक होने वाली है। आप देख रहे हैं सर, एमपीआरडीसी की भारी लापरवाही या टोल कंपनी की भारी लापरवाही जिसके कारण कई दुर्घटनाएं हो रही है, दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है उसको आज रोड पे आना पड़ा है। तो इस पर क्या कहेंगे सर आप, क्या इन पर कोई सख्त एक्शन होगा सर?
नहीं, ये तो चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के लेवल का है और मैं जो इनका ज्ञापन दिया है उसी तरह मैं कलेक्टर साहब को अवगत कराऊंगा और साथ ही जो भी उनके निर्णय वरिष्ठ अधिकारियों को लेना है ज्यादा इस संबंध में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आमजन ने जो है यहाँ धरना दिया है, कई मांगे हैं कि कई यहाँ दुर्घटनाएं होती है और टोल कंपनी MPRDC जो है भारी लापरवाही कर रही है, आपने क्या उनको समझाइश दी, क्या आश्वासन दिया? देखिए ये रोड की अभी वर्तमान स्थिति है, ये हमने देखा हुआ पिछले हफ्ते अत्यधिक बारिश के कारण हुई थी, उसके पहले भी हमने पेशकीपर वगैरह काम करवाया था, मेंटेनेंस का काम भी चालू था, क्योंकि बारिश के कारण पक्का डामर का काम नहीं किया जा सकता है, तो हम कच्चा काम कर रहे हैं और वर्तमान में अभी हमारा काम शुरू हो चुका है, जल्दी हम इसको रिपेयर करवा रहे हैं। नहीं सर, आपने देखने में आया है कि दुर्घटनाएं हो रही है और करीब 8 से 10 फीट तक गहरे हो गए हैं रोड, तो आखिर आप क्या करेंगे, अंतिम छोर क्या रहेगा आपका? जी जैसे आप बात कर रहे हैं एनएचआई के ब्रिज के नीचे के हिस्से की, वहाँ पर हर साल पानी भर जाता है, हमें वहाँ पर हमेशा हमारे लिए चैलेंजिंग होता है कि वहाँ से पानी निकालना और वहाँ पर गड्ढे होते हैं उसे तुरंत भरना, तो फिलहाल पानी भरा हुआ है उसे निकाल करके हम फिर वहाँ पर।